27 तरीक नूं पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी कर दिता है, पहली तरीक नूं पानी का ग्राउंड वाटर जिहड़ा लाएगा उहदे ते पानी के पैसे लगनगे। अजे तक डिटेल नहीं आई, तलवार तो लटक गई। टाइम देना चाहिए, दसना चाहिए कि करना की नहीं। और साढ़े जिन्हें प्लॉट बन सके फेज 8 के फोकल पॉइंट, वो पूरे अज तक आबाद नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? PSIC दी गलत पॉलिसियां करके। नीतियां योगपति बनाएंगे असीं तां लागू करांगे। इन्हां दे विच जो भी हर्डल हैगे, जो समस्यावां हैगे, वो बहुत जल्द स्मूथ होण वालियां ने। 34 करोड़ 50 लाख सानूं दित्ता। नाल दी नाल इह वी गल कही कि फोकल पॉइंट दे कोई भी रोड, चाहे 20 फुट तो लैके 60 फुट 80 फुट 100 फुट तक भी होवे, कोई भी कच्ची नहीं रहन देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री कामयाब होएगी, इंडस्ट्री वधूगी, साडे पंजाब दे नौजवानां नूं रुजगार मिलेगा। सत श्री अकाल जी, लुधियाना लाइव देख रहे हो तुसीं, और मैं हरविंदर सिंह ढिल्लों। इंडस्ट्री की गल की जाए तो इंडस्ट्री जिहड़ी साडे पंजाब दे इकोनमी दे विच, पंजाब दी इकोनमी दे विच एक वड्डा रोल जिहड़ा अदा करती हैगी है। तो इस टाइम असीं पहुँचे हाँ फोकल पॉइंट CICU, जिथे कि अज CICU दे बैनर दे हेठ तमाम जिन्हें भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैगे ने, जिन्हें भी उद्योगपति हैगे ने, अज उन्हां दी एक मीटिंग होने जा रही है। और अज इत्थे जिहड़े मुख मेहमान वजो जिहड़े हरदीप सिंह मुंडिया MLA ने, जिहड़े वह भी खास तौर पर पहुँचे ने। सो गलबात करते हैं इंडस्ट्री नूं लैके की जिहड़ियां उन्होंने परेशानियां जिहड़ियां MLA साहब नूं दसियां ने, और उन्हां वल्लों जिहड़ा की कुछ उद्योगपतियों नाल वादे किए गए ने, आओ चलते हैं। अज चेयरमैन साहब बहुत अच्छा हो गया आ जाए ने, सड़कों का उद्घाटन किया, जिहड़ियां रह गईयां सी फोकल पॉइंट फेज 8 दे विच वो भी बन जाणगियां, उहदे वास्ते असीं धन्नवाद किया। दूसरा असीं किया है कि PSIC दे चेयरमैन ने, PSIC ने ही इंडस्ट्री नूं वसाया, पर PSIC ने ही इंडस्ट्री नूं उजाड़िया। असीं उन्हां नूं दस्सिया किवें उजाड़िया, वसाया तां असीं अलॉटमेंट कर दित्ती 1996 तों लै के अज तक नवां फोकल पॉइंट नहीं बनया। और साढ़े जिन्हें प्लॉट बन सके फेज 8 के फोकल पॉइंट, वो पूरे अज तक आबाद नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? PSIC दी गलत पॉलिसियां करके। असीं उन्हां दस्सिया कि जिहड़ा किसे तरह इन्होंने खर्चा कर दिता, इस तरह लेट हो गया जी, आ लेट हो गया करते, मान लो इन्हें 100 रुपया करता भी दे देना जमा कराना, वो 100 रुपया असीं रिप्रेजेंट करते रहे भी ये गलत है, करते कराते ही उन्हें 100 का 10,000 रुपया बनाता। असीं उन्होंने कहा है भी तुम 100 रुपया ले लो, जो लेना पहले ब्याज व्याज सानू छड्ड दिओ, तां ही इंडस्ट्री बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। दूसरा हुणे 27 तरीक नूं पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी कर दिता है, पहली तरीक नूं पानी का ग्राउंड वाटर जिहड़ा लाएगा उहदे ते पानी के पैसे लगनगे। अजे तक डिटेल नहीं आई, तलवार तो लटक गई। टाइम देना चाहिए, दसना चाहिए की करना की नहीं। दूसरा हैगा फोकल पॉइंट के जिन्हें खोखे लगे हुए हैं, हाँ जी, इनक्रोचमेंट हुई हुई हैं, गंदगी पई है, इनक्रोचमेंट खोखियां ते की है, वो कुड़ियां जे बेचता पिया जां तंबाकू दे बेचता पिया, उहदे नाल गुजारा नहीं हैगा। उत्थे कई तरह के गलत काम होंदे ने, सैक्स माफिया भी उत्थे हैगा, ड्रग माफिया भी हैगा, वो चुकाओ। साडे कोई भी फोकल पॉइंट की इंडस्ट्री शाम नूं काम नहीं करना चाहते, क्यों? डर लगता है की करे, प्लस उत्थे बैठ के जिहड़े बंदे चोर चक्के ने, गैंगस्टर ने, वो रेकी करते हैं, रेकी करके वो देखते हैं कौन बंदा किस लिए आ रहा, बैग किसी को है कि किसाना वड्डी जिहड़ी जरूरी चीज़ है भी तुम इतों इनू खोखियां चुकाओ, उहदे नाल साडी थोड़ी लाइफ की सेफ्टी होवे, प्लस जिहड़ा गंद पाया होया गंद वास्ते एयर मार्क कर दो, वखरी जगह रखो, डंप बनाओ, और उस तो बाद कंप्रैसर लगाओ ताकि गंदगी जिहड़ी है ना फैले। एक पासे पोल्यूशन इंडस्ट्री वास्ते पोल्यूशन कह देंगे, पर म्यूनसिपल कारपोरेशन और PSIC की पोल्यूशन तो देखो। दूसरा पासा मैं तुहानूं एक होर चैलेंज करना, इंडस्ट्री की पोल्यूशन बिजली पोल्यूशन बोर्ड कहिंदा 12% है, 88% पोल्यूशन किहदी है? उहनूं तां कोई नथ नहीं पाउंदा, कोई नहीं करदा। तुसीं देखो आपां जाणदे आ गड्डियां किन्नियां, हर बाजार कोई भी मेन सड़क उत्थे कि इनक्रोचमेंट होई पई है, गड्डियां जांदियां नहीं पईआं, किन्ना डीजल साडा फुकिया जांदा, किन्ना टाइम वेस्ट हुंदा, वो पोल्यूशन कित्थे आउंदी, उस पोल्यूशन कोई नहीं देखदा पिआ। सर, बहुत सारियां समस्यावां कारपोरेशन नाल रिलेटड, मेरे नाल रिलेटड सी, मेरी PSI सी, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाल जवाब, और ये सारियां नूं प्रायोरिटी दे आधार ते हल कीता जाऊगा। साडा तां इह मान साहब दी सरकार है जिहड़ी पब्लिक आ, जनता दी सरकार आ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਯੋਗਪਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹਰਡਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਮੂਥ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ,
चाइना साढ़े इतने किन्ना कम कर रहा कि मार्केट नप रहा हो असी दुनिया च जाइए कारोबार नू लेके जाइए लोगों लिए रोज़गार क्रिएट करना पर बहुत सारिया समस्यावान पिछलिया सरकार ने उलझाइया हुई ने इन्हों छोटे छोटे डिस्प्यूट ही पा रखे जबकि इन्हों का कम ये डिस्प्यूट का नहीं होना चाहिए ये असी बैठे हल कर ये तो न्यू आइडिया लेके आन और दुनिया तक पहुँचे सी एम साहब ने कोआर्डीनेट करके उन्होंने मिल के इस बारे दसिया जाऊगा और वो अजे तक पूरा फ्रेमवर्क भी नहीं बनया है क्योंकि पानी नापन का भी अजे किसी इंडस्ट्री के नहीं लगे हुआ कितने होर भी नहीं है वो पूरा फ्रेमवर्क भी नहीं आने वाले टाइम के उन्होंने मिलकर समस्या बारे भी दसया जाऊ और छेती हल की जाए सर ये सारे लिए तो सारू साथ देना पेगा मान साहब की सरकार वालों कि मेरी कारपोरेशन के 14 अफसर अंदर चल गए विजिलेंस इंक्वायरी और बहुत सारे होर महकमें तो हर रोज़ देखते हो विजिलेंस फट रही है उन्होंने हाथ खुले आ कोई भी बंदा कोई गलत कर रहा तो मीडिया का पहला फर्ज सानू दसो किसी नू भी बख्शा नहीं जाऊगा करप्शन के एंड तक किसी ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं जिवें मान साहब कहिंदे आ साडियां ना अपनियां फैक्ट्रियां ने ना आपके रिश्तेदारां नू असीं कम देना 5 साल लोगों ने सेवा करन लई दित्ते आ ते पब्लिक की सेवा करांगे बहुत ही धन्यवाद करदे आ मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का जिन्हां नू बेनती लगाई सी कि साडे हलका सानिया दे विच जो फोकल पॉइंट है उहदियां सड़कां दा बहुत बुरा हाल है उन्होंने इन्नी जल्दी साडी पुकार सुनी पूरे इंडस्ट्रिस्ट की उन्होंने 34 करोड़ 50 लाख सानू दिता नाल दी नाल ये भी गल कही कि फोकल पॉइंट दे कोई भी रोड चाहे 20 फुट तो लैके 60 फुट 80 फुट 100 फुट तक भी होवे कोई भी कच्ची नहीं रहन देंगे क्योंकि इंडस्ट्री कामयाब होएगी इंडस्ट्री वधूगी साडे पंजाब दे नौजवानों नू रुजगार मिलेगा सो मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करते हैं नाल अज साडे सरदार दलवीर सिंह ढिल्लों जो चेयरमैन ने उन्होंने आके साडा साढ़े हल्के फोकल पॉइंट के उद्घाटन किया उन्होंने भी दिलों धन्यवाद है और इंडस्ट्रियलिस्ट भरावों को बेनती करना कि कोई भी काम हो अपने भरा सेवा का मौका दिता हो फोकल पॉइंट को कामयाब कर ली कोई भी चाहे स्ट्रीट लाइटा का हो पार्क का हो कोई भी काम हो डेंडा करके तो कामों लिए खड़ा तो काम करता रहा कोई भी काम हो जरूर दस्यो तो सारा धन्यवाद तो इंडस्ट्रियलिस्ट वीर अज बहुत बहुत मुबारकबाद मैं वो सरकार की गल नहीं करनी चाहता पर मैं तुम्हें यह बेनती करता कि जोड़ा काम वो लास्ट से जाते हुए करते जदों की साड़ी सरकार बनी है मुख्यमंत्री साहब पहले दिन तो जोड़ा वो लास्ट करके पट पटाइया करके सुट जाते ही मुख्यमंत्री साहब ने रंगला पंजाब बनाने का सुपना देखा और लग रहा कि बहुत जल्दी उन्होंने सुपना साकार होएगा परमात्मा अगे अरदास भी करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जिहड़ा इस पंजाब नू रंगला पंजाब बनाने की लीह चले हुए परमात्मा इन्नी कृपा करे कि इस साल उन्होंने सुपना पूरा हो फोकल पॉइंट की कोई भी 20 फुट तो लैके 80 फुट तक की सड़क है जीवन नगर रोड है इंडस्ट्री 5 फेस 5 8 फेस 6 फेस टोटल कोई भी सड़क है कच्ची है पूरी रहेगी अज शुरुआत हो गई जी इस साल कोई किसी रोड का टाइम 3 महीने है किसी का 6 महीने है हद 9 महीने है पर टाइम पीरियड बढ़ेगा नहीं ठेकेदार साहब मटेरियल हर मैं आप चेक करांगा जी तुसीं तुहानूं भरावां नूं बुलावांगा भी तुहाडा साथ भी लवांगा जदों भी कोई मटेरियल पएगा मैं मौके ते पहुंच के आप चेक कर दांगा हाँ जी झुग्गियां झोंपड़ियां अज ही चेयरमैन साहब ने भी यही सलाह हुई इंडस्ट्रियलिस्ट भरावों ने भी यही कहा भी जिहड़े झुग्गियां झोंपड़ियां जां चाह दियां दुकानां खोल के रोड के किनारे बैठे हुए है और चाह दी आड़ दे विच बहुत गलत काम करते हैं सो वो बहुत जल्दी अगले हफ्ते तो तुम देखोगे कि फोकल पॉइंट की किसी रोड के कोई खोखा नहीं होगा ये तो मैं बता पुलिस पेट्रोलिंग भी होगी पुलिस पेट्रोलिंग मैं अज ही सी पी साहब बेनती कर देना बाहर जाके हूँ ही करता वो कम हो जाए असल जदों सड़क ही नहीं सी सड़क बन जाएगियाँ सीवरेज साफ पानी जाऊगा जदों सीवरेज के मिट्टी वाला पानी जाता सीवरेज बंद हो जाता सी निकासी पानी नहीं हुंदा सी हुण जिहड़ा पानी है तुसीं आप देखो कि साल बाद फोकल पॉइंट की कोई भी इहोजी सड़क जिथे कोई बरसाती पानी खड़ा नज़र नहीं आऊगा ना ही कोई सीवरेज बंद होएगा
हर वेले काम वधिया तरीके नाल करावांगे। कोई भी ग्रीनरी तो मैं इंडस्ट्री मेरा सारे भरावों अंदर भी बेनती ला के हटा कि आप भी कोशिश करिए वो तो वह बूटे लाने वातावरण में बचाइए। जेडे फोकल पिंड गलत तरीके कह लो कोई पोल्यूशन फैला रहे हैं, चाहे वह पानी का हो चाहे हवा का हो भी बख्शा नहीं जाऊगा। मैं यही अंदर बेनती लाई है कि इन्हों का साथ ना दो, कल तुम कहो कि पोल्यूशन फैला रहे थोड़ी हेल्प करो, मैं वो हेल्प नहीं करा, सख्ती होएगी। धन्यवाद। तो ये सन हरदीप सिंह मुंडिया जिहड़े MLA ने अज जिहड़ा खास तौर पर पहुंचे थे, जिन्हें भी उद्योगपति ने CICCU दे विच अज जिहड़ी बैठक रखी गई सी कि अपनियां जिहड़ियां उन्होंने मजबूरियां उन्होंने दसिया अपन मंगा उन्होंने दसिया और MLA साहब ने कहा कि जल्द तो जल्द जिहड़ियां मंगा ने पूरियां कीतियां जाणगियां। पहलियां जिहड़ियां सरकारां रहियां अकाली दल होवे चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन्होंने कहा कि जिस तरह पट पटैया करके छड्ड दिंदे सी काम नूं अध विचकार, तां इस तरह नहीं होएगा, पूरा काम जिहड़ा नेपरे चाड़िया जाएगा। नवें अपडेट नाल फिर दुबारा तुहानूं मिलांगे जी। कैमरा परसन चेतन शर्मा नाल हरविंदर सिंह ढिल्लों, लुधियाणा लाइव।